experience a climate change, environment, or natural disaster. जावेद साहब क्लैपिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट जर्नलिस्ट अवार्ड गोज टू राना फरहान असलम, जो कि लीडिंग न्यूज पेपर है पाकिस्तान में, और इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के भी मेंबर हैं और वर्किंग सिंस 2015, और क्लाइमेट चेंज और कल्चर बोथ को लीड करते हैं. राना फरहान असलम. नेक्स्ट अवार्ड साजिद चौधरी साहब दिल्ली जंग से हैं, और ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 34 ईयर से कवर कर रहे हैं और इन्वायरमेंट और जनरल क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट ग्रीन इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट अवार्ड सुहेल मजीद भट्ट साहब, जो एशियन टेली ग्राफ इंटरनेशनल से हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा. वो भी 2018 से क्लाइमेट चेंज रिपोर्टर हैं. नेक्स्ट जर्नलिस्ट अवार्ड गोज टू मोहम्मद मुख्तियार एनएनआई से, जो कि 2017 से क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट ग्रीन जर्नलिस्ट अवार्ड गोज टू चंगेज खान जदून, जो कि डेली इंडिपेंडेंट में इन्वायरमेंटल एक्सप्रेशन कवर करते हैं. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मोहम्मद अवैस है, न्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल, जो कि फेडरल कैपिटल में कवर करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पर्टिकुलर. नेक्स्ट अवार्ड अस्तर हिजाब जीएनएन से जर्नलिस्ट हैं, उनके एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, लेकिन उनके भाई उनके बिहाफ पे रिसीव करते हैं. नेक्स्ट ग्रीन जर्नलिस्ट अवार्ड गोज टू आयशा नास, जो कि क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग सिंस 2015 से कर रहे हैं. नेक्स्ट अवार्ड गोज टू रोजीना अली 24 न्यूज, जो कि वेदर क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल इश्यूज और कल्चर को कवर करती है. मोहसिन दुनिया न्यूज, जो कि 2008 से कवर कर रही है क्लाइमेट चेंज डेट पे. मिस फौजिया मोहसिन. नेक्स्ट में जरमीन जारा जियो न्यूज है, लेकिन वो आउट ऑफ सिटी है, अगर उसके ब्याह पे रिसीव करना चाहे. मिस जरमीन जारा. नेक्स्ट ग्रीन जर्नलिस्ट अवार्ड गो टू मिस आफ्ताब जहां न्यूज वन, एयर एक्सपीरियंस इन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट. नेक्स्ट अवार्ड गोज टू रहील हसन न्यूज वन, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लाइमेट चेंज एनर्जी.
And next award goes to Zaid Hussain Jatoi, PTV News. Because since 2001 से different programs और climate change पे कुछ कर रहे हैं, उन अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ पे भी रिसीव कर रहे हैं। And finally, I would like to request Madam Rumina to give a award to Miss Nayar Ali.